अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगर। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मैकबुक एयर में या मैकबुक प्रो में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो कभी कभी आपको इस तरह एरर नज़र आएगा। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि आपने इस एरर को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इस एरर को मैं अभी जो है ड्रीमवीवर CC 2014 को इंस्टॉल कर रहा था, तो मुझे ये एरर जो है नज़र आ गया। तो मैंने इसलिए जब सॉल्व किया था तो ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मैंने जब ओपन किया था एडोब ड्रीमवीवर, तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि मैकबुक ईयर में जो है ये इंस्टॉल नहीं होता। तो मैं इसको क्या करूं, तो मैं इसका एक आपने क्या करना है, इधर जो है शो पैकेज कंटेंट पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद कंटेंट ओपन हो गया, ओपन के बाद मैकबुक ओएस। तो आपने इसको टर्मिनल पर रख यानी टर्मिनल पर रन करना है। टर्मिनल कैसे रन होता है, मैं लिखूंगा टर्मिनल। ये तो जो है मैकबुक ईयर में होगा, तो आपने इधर से इसको कॉपी किया और इसको क्लिक किया। अभी आप देख सकते हो जो इनिशियलाइजेशन इंस्टॉलर है वो अभी स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये था कुछ ट्यूटोरियल्स, इस ट्यूटोरियल में ये बता रहा था कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सिंपल प्रोसेस है। तो ये था इस ट्यूटोरियल, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर किसी चीज़ की भी आपको समझ नहीं